दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सिंगापुर में इलाज करा के प्रधानमंत्री केपी ओली स्वदेश लौटलन। काम में बेसी दौड़ धूप ना करे खातिर डॉक्टर सब के सुझाव। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय आज धूमधाम के साथ ईद उल जुहा यानी कि कुर्बानी मना रहल। कृषि अनुसंधान परिषद के काम कार्यवाही प्रति कृषि मंत्री खनाल के असंतुष्टि। किसान सब के हित में काम करे ना सकल आरोप। सुपुर्दगी विधेयक संबंधी हांगकांग में हो रहा प्रदर्शन थप कड़ा बनते जा रहा। विधेयक फिरता लेवेला प्रदर्शनकारी सबके मांग। आ कैनेडा में जारी ग्लोबल T20 प्रतियोगिता संपन्न। सोमपाल अबध हॉक्स बनल चैंपियन। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी ओली सिंगापुर में इलाज करा के स्वदेश लौटल बानी। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण खातिर पिछला सावन 18 गते सिंगापुर गेल प्रधानमंत्री ओली थाईयर के नियमित उड़ान मार्फत आज स्वदेश लौटल बानी है। प्रधानमंत्री ओली के स्वागत खातिर त्रिभुवन विमानतल में सभामुख, राष्ट्रीय सभा के उपाध्यक्ष, मंत्री आ नेता सब पहुंचल रहनी लोग। पिछला इतवार के प्रधानमंत्री स्वदेश लौटे के कार्यक्रम तय भैला पर भी कुछ परीक्षण बाकी भैला से अबेर भैल रहे। प्रधानमंत्री ओली के काम में बेसी दौड़धूप ना करे खातिर अनियमित परीक्षण करे खातिर भी डॉक्टर सबके सुझाव बांटे। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय इस साल के बकरीद अर्थात ईद उल जुहा कुर्बानी मना रहल बाटे लोग। हिजरी समत मुताबिक नया बरिस के जुलहिज्जा महीना के 10वां दिन ई त्योहार मनावल जाला। आज सवेरे उठ के नहा धोके शुद्ध होके के आ खुला जगह या मस्जिद सब में जाके नमाज पढ़े के साथे गले मिलके एक दूसरा के शुभकामना दिहल जाला। नमाज पढ़ के घर लौटला बाद खसी बकरी पाड़ा आ भैंसी के कुर्बानी देवे के चलन बाटे। बलि देहल पशु के मास 3 भाग लगावल जाला। उमध्य 1 भाग अपना खातिर, दोसर 1 भाग अपन रिश्तेदार दोस्त आ अंतिम 3रा भाग गरीब आ दीन दुखी के देहल जाला। आज मुस्लिम समुदाय अपन परंपरागत पोशाक पहिर के शुभेच्छा, स्वादिष्ट व्यंजन आ एक दूसरा में शुभकामना बांटेला लोग। नेपाली मुस्लिम समुदाय सब इस समय आपन गैर मुस्लिम दोस्त सब के बुला के मुस्लिम विशेषता से भरल अनेक किस्म के खाना आ अन्य स्वादिष्ट मिठाई सब खियाबे के आ खुशियाली बांटेला लोग। ईद के अवसर में प्रदेश नंबर 2 आ प्रदेश 5 में आज सार्वजनिक छुट्टी भी देहल गेल बा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस विभिन्न कार्यक्रम करके नेपाल में भी मनावल जा रहल बा। युवा परिषद नेपाल दिवस के अवसर में 4 दिन के राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2019 करे वाला बा। उद्यमी युवा समृद्ध देश स्थायी विकास लक्ष्य में समान परिवेश कहे वाला नारा के साथ दिवस मनावे लागल जनावल गेल बा। सम्मेलन में देश भर के 204 जने युवा सब के सहभागिता रही, जेमे 77 जिला से प्रतिनिधित्व होके किसिम से 1 पुरुष आ 1 महिला सहभागी होखी है। सम्मेलन में विभिन्न सामाजिक संघ संस्था सब के तरफ से 50 जने युवा सब के सहभागिता भी रही। सम्मेलन मार्फत प्रत्येक प्रदेश के सहभागी सब अपना जिला खातिर कार्य योजना निर्माण करी लोग। संघीयता के नया संरचना बनावती में बीतल आर्थिक बरिस के विकास बजट लक्ष्य पूरा करे ना सकल सरकार चालू आर्थिक बरिस में कार्य योजना बना के ही कार्यान्वयन करे वाला बाटे। सभी किस्म के अवरोध हटा के 8.5% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य पूरा करे के सरकारी प्रतिबद्धता बा। संविधान आ संघीयता अनुरूप संरचना आ पूर्वाधार निर्माण के कारण देखावत बीतल आर्थिक बरिस के अंतिम में ही बजट ओरायला हड़बड़ाइल स्थायी सरकार चालू आर्थिक बरिस में उहे गलती ना दोहरावे के पक्ष में बाटे। चालू आर्थिक बरिस में कार्य योजना बना के ही आगे बढ़े के सरकारी प्रतिबद्धता बा।
कर्मचारी समाज जुन काम सकिएको छ, कानुनहरू बन्ने कामहरू सकिएको छ, आयोजनाहरू अब कहाँ कुन आयोजना कहाँ जाने भन्ने कुराहरू टुङ्गो लागिसकेको छ। नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार भइरहेको छ, यो अनुसारै हामी काम गर्दै जाने हो। कैसनो अवरोध के हटा के सरकारद्वारा लेहल 8.5% के आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य पूरा करे के अर्थ मंत्रालय के दावी बा। आयोजना कार्यान्वयन में कौनो अलमल ना होके के कहत मंत्रालय नीतिगत सुधार करके आगे बढ़े के निर्णय में पहुंचल बा। अब भनेको हामी एउटा स्पिड अपमा जाने हो। अब त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले फुकाइदिनु पर्ने केही गाँठाहरू छन् अथवा समस्याहरू छन् भने त्यसलाई पनि हामी सहजीकरण गर्दै जुन मुलुकले आर्थिक वृद्धि 8.5% आर्थिक वृद्धि लिने लक्ष्य राखेको छ, त्यो लक्ष्यलाई हामी भेट्टाउने गरी हामी हाम्रा सम्पूर्ण नीतिगत हाम्रा व्यवस्थाहरू र कार्यगत रूपमा हामी अगाडि बढाउन प्रतिबद्धताका साथ लाग्नेछौँ र त्यो लक्ष्य हामी हासिल गर्छौँ। संघ प्रदेश स्थानीय तहद्वारा करेवाला काम के बारे में आपसी अलमल ना करके स्थायी सरकारद्वारा चालू बरिस में ही समय में बजट के कार्यान्वयन प्रणाली विकास करे के जरूरी बा। हरिशरण युपाने की रिपोर्ट। नेपाल में पहिलका बार बिया एटीएम मशीन लियावल गेल बा। कृषि क्षेत्र के प्रवर्धन करे के उद्देश्य के साथ ललितपुर महानगर पालिका बिया एटीएम लियोले बा। ललितपुर महानगर पालिका द्वारा कृषि में आश्रित 42,600 अर्थात 14.4% जनसंख्या के लक्षित करत नेपाल में पहिलका बार बिया एटीएम लियाउने बा। महानगर द्वारा तरकारी आ फलफूल के बिया एटीएम में रखला संग ही किसान के चाहल समय में बिया किन सके के सहजता भइल बा। हामी स्मार्ट सिटी बन्न खोजे, त्यसैले हाम्रो कृषकहरु पनि स्मार्ट बन्नुस् भनेर स्मार्ट यो एटीएम अन्तर्गत स्मार्ट बिउ बिजनको वितरण गर्ने हो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ मैले अघि पनि यहाँले निवेदन गरेँ कि यो चाहिँ कृषि मन्त्रालयबाट ब्रान्डेड हो, यो चाहिँ त्यो जहाँ पाए त्यहाँ पाउने किसिमको सिड्सहरू होइनन्। भारतमै प्रचलित रहल बेटा अटोमेटिक मेसिन नेपालमै पहिलका बार 9,00,000 के लागतमै लियावल गेल ह। अभी बिया एटीएम में करिब 36 किसिमके तरकारी आ फलफूलके बिया राखल गेल बा। 20, 50, 100 आ 500 के नोट मशीन में रखला बाद जरूरत मुताबिक के बिया सब कीन सकल जाला। महानगर के सहकार्य में संचालित बिया एटीएम कार्यक्रम प्रभावकारी होके के विश्वास कल गेल बा। एटीएम भनेको यो हामीले आवश्यकता अनुसार आफै कृषकले आफ्नो अनुकूलतामा बिउलाई सहज रूपमा प्राप्त गर्नु हो कि हामीले कुनै पनि ठाउँमा गएर बजारमै गएर त्यो खोजी गिती गरेर खोजेर ल्याउनु भन्दा पनि यो ठाउँमा यो छ है भनेपछि ललितपुर महानगरपालिका प्राङ्गणमा आएर आफूलाई चाहेको बिउ प्राप्त गर्नु नै सिट एटीएमको सेवा सुविधा हो। एटीएममै सिमी, बोडी, करैला, ककडी, खिरा, राई, चम्सुरके साग, पालक, लौका, घिउडा, टमाटर, कोभी, मुरै, बन्दाकोभी, मर्चा आदि के बिया राखल गेल बा। ओहिलेखा सीजन मुताबिक के सयपत्री, मखमली, सूर्यमुखी, सुपारी लगायत के फुला आ फल के भी बिया राखल गेल बा। कैमरा में विपिन श्रीवास्तव के साथ शिव अधिकारी यदुवंशी के रिपोर्ट। तराई मधेस के लाइफलाइन मानल गेल बहुचर्चित हुलाकी राजमार्ग अंतर्गत सप्तरी खंड में गुणस्तरहीन पुल निर्माण के काम हो रहल बा। बोदेबरसाई नगर पालिका 5 जांचर स्थित खड़क नदी में निर्माणाधीन पुल भसकला बाद गुणस्तरहीन निर्माण के बारे में खुलासा भइल ह। 2 अरब रुपया के लागत में हुलाकी राजमार्ग के दुगो योजना में 40 किलोमीटर सड़क तथा पुल निर्माण के काम हो रहल बा। जेमे 1 अरब 20 करोड़ रुपया में राजबिरास से बलान नदी तक सड़क निर्माण करे के ठेका रौताहा श्रेष्ठ दीवार जेबी के मिलल बा। त पुल निर्माण करे वाला जिम्मा बागमती निर्माण सेवा के देहल गेल बा। जे मुताबिक 2.5 बरिस के समझौता होके बागमती निर्माण सेवा बारेगो पुल निर्माण के काम शुरू कैले बा। लेकिन 2 बरिस बीते लगला पर भी एक एक गो पुल के निर्माण के काम भी पूरा नइखे हो सकल। निर्माणाधीन पुल भी भसके के शुरू हो गेल बा। सामान्य बाढ़ में ही पुल भसकला बाद ठेकेदार से गुणस्तरहीन सामग्री के प्रयोग करके निर्माण के काम हो रहल कारण से निर्माण पूरा न होते पुल भसकल स्थानीय लोग के आरोप बाटे। ढलान मान लिया जाके से अगर 2-3 दिन में ढलान भेला के बाद 2-3 दिन के भीतर अगर बाढ़ गेल हेते तो सेटिंग भचक गेला का कारण जैसे ढलान लचक सके छे टूट सके छे
या नहीं तो 10-15 दिन अगर भाग लेते ढलान के तब ये वायर ये तब जो टूटले तो मटेरियल में कमी। उलोक पुल निर्माण के काम में प्रयोग हो रहा सामग्री की जांच होके पड़े के असंलग्न ठेकेदार आ प्राविधिक सबके कानूनी दायरा में लियावे पड़े के भी मांग रख ले बा। उन्हें निर्माण कंपनी स्टेसिंग के समय नापुक के बाढ़ आयल कारण पुल भस्कल बतौले बा। यसको त मेन कारण थियो कि टाइममा हाम्रो टाइम नपुगेर स्टिचिङ नभएर यो बाढी आएर बचेको। राजमार्ग अन्तर्गत सडकके मध्य पोइन्टसे दुनो तरफ 15-15 करके 30 मिटर जग्गा अधिग्रहण करके 11 मिटर के पीच करेके योजना रहल निर्माण कम्पनी जनाउले बा। सप्तरी से विद्यानन्द राम के रिपोर्ट। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग द्वारा शहर सौंदर्यता खातिर नेपालगंज में 10,000 पौधा रोपे के शुरू कल गेल बा। शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राई बांके के जमुनाहा चौक में पौधा रोप के बृहत वृक्षारोपण के शुभारंभ कैनी है। वृक्षारोपण से शहर की सुंदरता बढ़े के आ पर्यावरण में सहयोग पुगे वाला कारण नेपालगंज क्षेत्र में रहल सार्वजनिक स्थल स्थानीय तह के कार्यालय सब विद्यालय सरकारी कार्यालय सब पौधारोपण अभियान शुरू कैले बा। शहरी सौंदर्य पनि बढ्ने यो बिरुवाले र वातावरणीय हिसाबले पनि यसको एकदमै अनुकूल हुने भन्ने चाहिँ हिसाबले यो सुरुवात गरेका छौँ र एकदेखि 300 वडामा चाहिँ 10,000 पुरै बिरुवा यस्तै ठुला ठुला बिरुवाहरू चाहिँ राख्ने त्यसमा चाहिँ अब त्यो मैले भने नि फर्स्ट फेजमा चाहिँ सार्वजनिक स्थलहरू त्यस्तै चाहिँ तपाईँको विभिन्न चाहे त्यो स्थानीय तहका कार्यालय हुन् चाहे त्यो चाहिँ प्रदेश कार्यालय हुन् चाहे त्यो सङ्घीय कार्यालयहरू सरकारी कार्यालयहरू हुन् चाहे त्यो विद्यालय होस् चाहे त्यो अन्य संस्थाहरू हुन् अस्पताल हुन् यो सबै ठाउँमा यस्तै 10,000 पुरै बिरुवाहरू हामीले राख्ने भन्ने प्लान गरेका छौँ। सुर्खेत रोड के जमुनाहा से राझा चौक तक 2-3 हजार पौधा रोपे के लक्ष्य बाटे। बांके के स्थानीय द्वारा घर घर में भी पौधा फलफूल रोपे के शुरू कर गेल बा। ज्येष्ठ नागरिक प्रति सम्मान करे खातिर नवलपुर के गणाकोट नगर पालिका के नगर स्वास्थ्य केंद्र द्वारा 80 बरस ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक के घर में पहुंच के दवाई आ इलाज करे के जनावल गेल बा। नगर क्षेत्र के भीतर रहल 80 बरस ऊपर के ज्येष्ठ नागरिक सबके घर पर ही जाके निःशुल्क रूप में स्वास्थ्य सेवा प्रदान करे के सिम से निर्देशिका निर्माण हो रहल नगर स्वास्थ्य संयोजक इंद्रराज शर्मा बतौले बानी। निर्देशिका निर्माण भैला बाद कार्यविधि के काम शुरू करे के शर्मा के कहना बाटे। आवे वाला आसिन महीना के पहल का हफ्ता से ज्येष्ठ नागरिक सबके घर में ही जाके निःशुल्क रूप में विशेषज्ञ सहित के टोली औषधि इलाज करे के शर्मा जानकारी देनी। नगर स्वास्थ्य केंद्र द्वारा उच्च रक्तचाप मधुमेह दम लगायत नियमित इलाज होखे वाला बीमारी सबके निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण आ इलाज करे के सिम से कार्यविधि निर्माण हो रहल बा। केंद्र के नया कार्यक्रम मुताबिक समुदाय लक्षित कार्यक्रम केंद्रित कैल गेल जानकारी देहत स्वास्थ्य संयोजक शर्मा समुदाय के स्थानीय सरकार के अनुभूत होके किसिम से काम कर रहल भी बतौले बानी। अब मत सर्वेक्षण के बारी। सावन महीना खातिर मत सर्वेक्षण के सवाल ऐसन बाटे। अभी देश में भ्रष्टाचार के अवस्था कैसन बा? ए घटल बा, बी बढ़ल बा, सी यथावते। प्रतिक्रिया खातिर एनटीसी एनसेल आ स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता सब जेटीवी स्पेस पोल स्पेस ए बी या सी टाइप करके 3-4-3-4-3 में एसएमएस भेजे खातिर अनुरोध करता निसन। एसएमएस मार्फत साउन महीना भर में प्राप्त भइल मत सर्वेक्षण के नतीजा 2-1 सार्वजनिक होखी। अब आर्थिक समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषि अनुसंधान परिषद के काम कार्यवाही प्रति असंतुष्टि जनाउले बानी। मंत्री खनाल परिषद द्वारा किसान के पक्ष में कोनो भी अनुसंधान के काम करे ना सकल कहत असंतुष्टि जनाउनी है। मंत्री खनाल किसान के पक्ष में परिषद द्वारा कामे ना कैला बाद विकल्प में अपना से किसान आवास परियोजना कार्यक्रम शुरू करे लागल भी घोषणा कैनी है। आज से काठमांडू में शुरू भइल एशियन कृषि सम्मेलन तथा प्रदर्शनी 2019 के उद्घाटन करत मंत्री खनाल 66% कृषक सब रहल देश में उलोक की जरूरत के संबोधन होके किसिम से अध्ययन आ अनुसंधान के काम के परिषद पूरा करे ना सकल आरोप भी लगौनी है। 30% मध्ये 10% ले
किसान लेख छ तर विभिन्न पेसामा छ 56% टोटल कृषिमा छन् 13 वटा ठेली कैयौं वर्ष लाएर बनाइएको छ तर त्यो अंग्रेजीमा छ त्यसपछि मैले अहिले के भनि भने 12 वटा त तपाईहरुका चाहिँ अंग्रेजीमा भएछन् तर यो 13 औं ठेली किसानले बुझ्ने भाषामा नेपालीमा हुनु पर्यो तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेटमा राख्ने कुरा विदेशीसँग कुरा गर्ने कुरा यो सबै अंग्रेजीमा बनाउनुस् मलाई कुनै आपत्ति छैन मन्त्री खनाल किसान सबके कुछ सिखो कहके परिषदद्वारा अंग्रेजी भाषामा तयार कयल गेल प्रतिवेदन भी नेपालीमा रूपान्तरण करके सबै स्थानीय तहमे हस्तान्तरण कयल गेल भी जानकारी देहनी हा आबेवाला भादो 1 गते से लागू होके किसिम से दूध के दाम बढे वाला बा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्रालय द्वारा किसान आ उद्योगी के मांग अनुरूप 3 बरिस के बाद दूध के दाम बढ़ावे की प्रक्रिया शुरू कर गेल हा दूध के उत्पादन लागत बढ़ल कहत केंद्रीय दुग्ध सहकारी संघ दाम ना बढ़ोला पर भादो पहिल का हफ्ता से देशव्यापी आंदोलन के घोषणा कैले बा तो दुग्ध उद्योगी सबके संस्था नेपाल डेयरी एसोसिएशन आ डेयरी उद्योग संघ भी दाम बढ़ावे के मांग करते आ रहल बा उपभोग्य वस्तु लगायत पशु आहारा दाना चोकर आ कृषि श्रमिक के दाम सालाना निरंतर रूप में बढ़े के लेकिन दूध के दाम लंबा समय से ना बढ़ला बाद किसान सबके उत्पादन लागत उठे के बंद हो गेल बा भोजपुरी समाचार के अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार सिंगापुर में इलाज करा के प्रधानमंत्री केपी ओली स्वदेश लौटलन काम में बेसी दौड़ धूप ना करे खातिर डॉक्टर सबके सुझाव दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय आज धूमधाम के साथ ईद उल जोहा यानी कि कुर्बानी मना रहल कृषि अनुसंधान परिषद के काम कार्यवाही प्रति कृषि मंत्री खनाल की असंतुष्टि किसान के हित में काम करे ना सकल आरोप सुपुर्दगी विधेयक संबंधी हांगकांग में हो रहा प्रदर्शन थप कड़ा बनते जा रहा विधेयक फिरता लेवेला प्रदर्शनकारी के मांग आ कनाडा में जारी ग्लोबल T20 प्रतियोगिता संपन्न सोमपाल अबध हॉक्स बनल चैंपियन एकरे साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ आ देख सकतानी सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता नमस्कार